नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं बना रही हूँ गट्टे की खिचड़ी, और वो भी दशहरे के लिए स्पेशल है ये डिश। अगर आपके घर पर मेहमान आते हैं और आप पार्टी करते हैं दशहरे के दिन, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको सुनने में भी अजब लग रहा होगा कि कोई पार्टी में खिचड़ी खाता है, बट मुझ पर यकीन कीजिए, आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। लोग आपसे इसकी रेसिपी और टिफ़िन में पैक करके ले जाएंगे अपने घर के लिए। बट उससे पहले मैं खुशबू कनौजिया और मैं अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूँ। और आप फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गट्टे की तैयारी करेंगे। तो गट्टे की तैयारी करने के लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम बेसन। और बेसन ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च। ये सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम मैंने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और इसमें खास इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और वो है सरसों ऑयल। इससे हमारे गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दही। दही इसमें ऐड करना ज़रूरी है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दही। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे इसे सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पिंच भर खाने वाला सोडा। और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर एक डो तैयार करेंगे सॉफ्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके हाथ में अगर लगा हुआ बेसन है, तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप थोड़ा सा सूखा बेसन अपने हाथ पर लगाइएगा और इसे अच्छी तरह से मसल लीजिएगा। डो अब तैयार है, अब हम इसका एक स्ट्रिक बनाते हैं। तो इसके लिए हम अपने प्लाम पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे 2 हिस्से में बट कर इसके थोड़ा थोड़ा पतला पतला स्टिक तैयार कर लेंगे। हम इस तरह का स्टिक तैयार कर लेंगे और बचे हुए का भी हम स्टिक तैयार कर लेते हैं। और फिर हम इसे साइड में रख देंगे। तो हमारा स्टिक तैयार हो गया है, अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हम इसे उबालेंगे। तो उबालने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ऐड करेंगे पानी। तो आप सोच रहे होंगे कि खुशबू, आप तो 2 ही स्टिक तैयार किए हो, तो इतना सारा पानी क्यों? तो आप वेट कीजिए ना, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही हूँ। तो इसके लिए मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। अब पानी भी उबल गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दही और साथ में ही थोड़ा सा घी और स्वाद के लिए नमक। और फिर इसे ढककर पूरी अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। अब इसमें उबाल आ गया है, अब हम इसमें स्टिक को ऐड कर देंगे और इसे कुक करेंगे। अब कुक करने का तरीका है, जब हमारा स्टिक ऊपर आ जाए तो हमारा गट्टे तैयार है। इसे हम कवर कर 2 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। इतना देर में ये गट्टे ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, हमारा गट्टा ऊपर आ गया है और ये कुक हो गया है। अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे। और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम इसी पानी में ऐड करेंगे चावल। इस चावल को हम मैंने अच्छी तरह से
वॉश कर लिया। इसका सारा स्टार्च को बाहर निकाल कर 15 से 20 मिनट के लिए पानी में सोक कर दिया है। अब मैं इसे 80% तक कुक करूँगी, तो इसे कवर कर कर 80% तक कुक कर लेते हैं। तो मेरा चावल भी 80% तक कुक है और मसाले भी तैयार हैं। तो देखिए, ये चावल भी कुक हो गया है और यहाँ पर मैंने सारे मसाले को भी रख दिया है कट कर कर, और मेरे गट्टे भी तैयार हैं। तो मैं गट्टे को भी तैयार कर ली हूँ और मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो इसके लिए हम एक पैन लेंगे और पैन में ऐड करेंगे ऑयल, और ऑयल के साथ हम ऐड करेंगे घी, और वो भी मेल्ट किया हुआ, और फिर हम इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाए तब हम इसमें छौंक लगाएंगे, और छौंक लगाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, अदरक, तेज़पत्ता। ये सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम मैंने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। जब छौंक से खुशबू आने लगे तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो इसे 1-2 मिनट के लिए कुक करते हैं। अब इससे छौंक में से खुशबू आने लगी है तो हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन। अनियन को मैंने पतला पतला स्लाइस में कट कर लिया है और इसे 1-2 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसे हम कवर कर कर गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करते हैं। जब तक ये कुक होता है तब हम गट्टे को पीस में कट कर लेंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम पीस में कट कर लेते हैं। इसे हम पीस में कट कर लिए हैं और इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए एक दूसरा पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे सरसों ऑयल। अब ऑयल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे गट्टे को। हाई फ्लेम पर हम इसमें गट्टे को ऐड कर देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसमें थोड़ा कलर लाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर और इसे 1-2 मिनट कुक करेंगे और फिर गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम देखते हैं हमारे प्याज का क्या हाल है। तो चलिए प्याज को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसे 1-2 मिनट के लिए हम और कुक करेंगे। एक 2 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट और इसे भी सौते करेंगे कुछ मिनटों के लिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी कुक करेंगे जब तक इसका कच्चापन बाहर ना निकल जाए। एक 2 मिनट कुक करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और इसे जल्दी कुक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे इसका स्वाद, और अब बारी आ गई मसालों की। तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो उसमें हम पहले हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर कर 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि सारे मसाले को कोई भी खाना में एक साथ नहीं ऐड करना चाहिए, इससे हमारे खाने का स्वाद कम लगता है। तो पहले आप हल्दी को ही ऐड करिएगा और उसे अच्छी तरह से कुक करिएगा। फिर हम इसमें बाकी मसाले भी ऐड करेंगे, जिसमें होगा लाल मिर्च, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम मैंने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा।
एक दो मिनट कुक करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे छाछ वाला पानी और इसे भी हम एक दो मिनट के लिए कुक करेंगे। इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, बट इसी बीच हमारे घर की लाइट चली गई तो हम अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं लाइट आने का। अब मसाले को थोड़ा सा कवर कर एक दो मिनट के लिए और पान तेल छोड़ने तक कुक करेंगे। ये अच्छी तरह से उबाल आ गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जब इसमें उबाल आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे गट्टे को और इसे भी कुक करेंगे। फिर हम एक दो मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऊपर से सारे चावल को, तो मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। चावल को अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए अनियन, हरी मिर्च और गरम मसाला। और थोड़ा सा घी, घी को हम चारों तरफ इसमें ऐड करेंगे। फिर इसे कवर कर 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। 15 मिनट के बाद ओपन करेंगे। वाह, इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है। इसका महक तो हमारे घर में फैल चुका है। तो मैं इसे आपको किसी पलटा की मदद से अलट पलट कर दिखाती हूँ। अब इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। और इसे हम सैलेड और दही के रायते के साथ सर्व करेंगे। तो सच में ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी डिश लगेगा। आप इस दशहरा अपने फैमिली, अपने गेस्ट को ज़रूर खुश करिए ये गट्टे की खिचड़ी बनाकर। तो आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। तो पहले आप इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए, और जो कि इंग्रेडिएंट्स सारे ये हैं। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट कर बताते हैं कि ये कैसा बना है। तो खिचड़ी है तो खिचड़ी पे तो ज़रूरी है घी, तो हम इस पे ऊपर से घी ऐड करेंगे और इसे हम टेस्ट करेंगे। देखिए चावल कितना खिला खिला है। सच 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 में ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी और लाजवाब बना है। तो आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट कर बताइएगा कि ये कैसा बना है। ये थोड़ी मेहनत की चीज़ है, बट गेस्ट लोग इससे बहुत ही खुश होकर जाएंगे। और आप उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कहिएगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक, और नहीं अच्छी लगी तो इसे डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए। और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने इसे डिसलाइक क्यों किया। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड नमस्कार।